हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप मेडिटेशन करती हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और फ्रेंड्स, मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से आपके शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे लिए एक मानसिक शांति का रास्ता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक विकृति से गुजर रहे हैं या बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारी महिलाओं में तनाव और बहुत सारे ऐसी मानसिक थकान जैसी समस्याएं होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं वो तनाव में अपने आप को ग्रसित कर लेती हैं। इससे बाहर निकलने का सबसे बेहतर और आसान रास्ता यही है कि आप मेडिटेशन का सहारा लें। यदि आप रोज़ाना मेडिटेशन करती हैं तो इससे आपको काफ़ी सारे लाभ होंगे। फ्रेंड्स, शोरगुल और प्रदूषण के जो माहौल होते हैं उसके चलते काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करते हैं, मानसिक थकान का अनुभव करते हैं। इससे आपके और आपके शिशु दोनों पर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे बचने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये जहां आपके मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं उसको एक मानसिक शांति और थकान मुक्त भी अनुभव कराता है। फ्रेंड्स, इसको करने से आपको एक अच्छी नींद आती है, जो कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एक बड़ी समस्या बन जाती है। इस दौरान अच्छी नींद लेना काफ़ी आवश्यक होता है। यदि आप मेडिटेशन करती हैं तो इससे आपको एक अच्छी और बेहतर नींद आती है, जिसका प्रभाव आपके शिशु पर भी पड़ता है। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी नींद लेती हैं तो इससे आपकी जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपका पेट खराब रहना, कब्ज होना, एसिडिटी जैसी जो समस्याएं होती हैं, उससे भी आपको काफ़ी छुटकारा मिल जाता है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने से और भी बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि यदि आप ब्लड प्रेशर या फिर शुगर से परेशान हैं, या इस दौरान जो ब्लड प्रेशर और शुगर की जो समस्याएं हो जाती हैं उनसे भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। फ्रेंड्स, ये आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी लाभदायक होता है। इसका प्रभाव सीधे सीधे आपके शिशु पर भी पड़ता है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आप इस दौरान मेडिटेशन करती हैं तो आपके आचार व्यवहार और विचारों में काफ़ी परिवर्तन होता है, जिसका पूरा और सीधा प्रभाव आपके शिशु पर पड़ता है। अगर आप अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा शोरगुल और अनकंफर्ट महसूस करती हैं तो आपको रोज़ाना अपनी जीवन शैली है उस पर मेडिटेशन को शामिल करना चाहिए। आप मेडिटेशन करने की यदि आदत डालती हैं तो मानसिक शांति के साथ साथ आपको शारीरिक रूप से भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है, जो कि आपके शिशु के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। फ्रेंड्स, इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी थकान महसूस करती हैं, आपको सांस लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है। कई महिलाओं को ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, कई लोगों को शुगर की समस्या हो जाती है, तो इनसे भी बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप अपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से बुद्धिमान बनाना चाहती हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। जो महिलाएं मेडिटेशन करती हैं उनके बच्चे का जो दिमाग होता है वो शार्प होता है, यानी कि बच्चा मानसिक रूप से काफ़ी बुद्धिमान भी होता है। इसके साथ साथ उसके अंदर एक मानसिक जो संवेदनाएं हैं उनका भी अच्छी तरीके से विकास होता है। आपका मन जो है वो खुश रहता है, जिसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन करना एक बहुत ही आसान विकल्प है, यदि आप अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन शैली प्रदान करना चाहती हैं तो। फ्रेंड्स, इस दौरान मेडिटेशन करने से आपके शरीर में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। आपका शरीर अपने आप में उपचार करने लगता है, जिसका सीधा असर आपके बच्चे की सेहत पर भी पड़ता है। ध्यान शरीर में जीवन शक्ति का भी संचार करता है, यानी कि आपके शरीर में एक प्राण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस ड्यूरेशन में आपको बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए
इस दौरान यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके और आपके शिशु दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से मानसिक उथल पुथल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में चलती रहती है और वे काफ़ी संवेदनशील भी हो जाती हैं। इस स्थिति में यदि वो अपने मन को खुश रखना चाहती हैं, शांत रहना चाहती हैं, तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा विकल्प है। यदि वो एक धीमे स्वर के साथ किसी मंत्र का उच्चारण के साथ यदि वो मेडिटेशन करती हैं, बहुत अधिक नहीं, कम से कम आप 5 मिनट रोज़ यदि मेडिटेशन करने की आदत डालती हैं, तो इसका सीधा असर आपके बच्चे की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। वो भी उस स्वर को सुनकर और उस मानसिक स्थिति को अपने अंदर अनुभव करता है, जिसकी वजह से उसका मन भी खुश रहता है, शांत रहता है और वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी बना लेता है। यानी फ्रेंड्स, इस दौरान मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो तनाव है, तनाव मुक्त आप होते हैं, मानसिक स्थिति जो आपकी होती है वो सामान्य हो जाती है। इसके साथ साथ आपका जो शरीर है वो भी काफ़ी सामान्य हो जाता है। यानी कि अगर आप उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी समस्या से ग्रसित हैं तो वो भी काफ़ी सामान्य स्थिति में आ जाती है और फ्रेंड्स, इस तरीके की समस्याएं आपको नहीं होती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों के चलते नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी काफ़ी प्रिपेयर हो जाते हैं। यानी कि जब आपका मन स्ट्रांग हो जाता है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, इस दौरान यदि आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो इसके लिए मेडिटेशन करना ज़रूर आपको चाहिए। और मेडिटेशन करने के बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो आपके साथ साथ आपके शिशु को भी मिलते हैं, तो इस दौरान मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी हम अपने चैनल पर देते हैं, तो इस तरीके की और जानकारी के लिए आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरह की और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और एक शेयर ज़रूर करें।